I'm Dr. Abhineet Gupta और हमेशा की तरह इस बार भी मैं आपके लिए एक बहुत धमाकेदार प्रोडक्ट लेकर आया हूँ। मैं आज एक ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ, ये जो लोगों को बहुत ज़्यादा डर था जिस प्रोडक्ट के ऊपर, ये है चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये दवाई लेने के पहले खाने के पहले 90% लोग मेरे से पूछते हैं कि क्या हमको सेक्सुअल प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, क्या हम इम्पोर्टेंट तो नहीं हो जाएंगे, क्या मैं बच्चे पैदा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं सेक्स कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो ये डाउट बहुत ज़्यादा 90% लोगों में ये डाउट होता है। ये उन लोगों को डाउट होता है जो लोग हेयर फॉल या हेयर लॉस के लिए मेडिसिन खा रहे होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ उन पेशेंट्स की जिनको जेनेटिक या पैटर्न बैलेंस जो कहते हैं, मेल पैटर्न बैलेंस, खानदानी का जपन जिनको यहाँ पे से साफ हो जाता है। तो जब भी किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, किसी भी डॉक्टर के पास अक्रॉस द वर्ल्ड, तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है, वो आपको दे देंगे फिनिस्ट्राइड की गोली। कहेंगे भैया फिनिस्ट्राइड 1 mg खाओ। फिनिस्ट्राइड क्या है? फिनिस्ट्राइड DHT ब्लॉकर होता है, जो DHT2 को ब्लॉक करता है। DHT2 होता है डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। जब हमारी बॉडी में फ्री टेस्टोस्टेरोन घूमता है और वो स्किन की लेयर में जाके DHT डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जो किसी काम का नहीं होता है, उसका काम सिर्फ इतना होता है कि वो बालों की ग्रोथ को स्लो करके, उसको मिनिस्ट्राइज करके, उसको ग्रोथ को रोक देता है। बाल मिनिस्ट्राइज होके वेलेस हेयर, मतलब रुए में कन्वर्ट होके खत्म हो जाते हैं। ये हमारे बॉडी में जब DHT डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है तो ये हो जाता है। अब आप जितने भी लोग गंजे हो रहे होते हैं, जिनके फॉलिंग हो रही होती है, जिनको खानदानी गंजापन हो रहा होता है, वो एकदम से अपने बाल देखते हैं कि अरे 100-150 बाल, 200 बाल डेली झड़ रहे हैं, बाल खत्म हो रहे हैं, हेयर लॉस होना चालू हो गया, तो डर जाते हैं और वो जाते हैं डॉक्टर्स के पास और डॉक्टर्स उनको लिख देते हैं, सबसे पहले लिखते हैं फिनिस्ट्राइड, ले भाई तू फिनिस्ट्राइड खा ले 1 mg। दूसरा लिखते हैं बायोटिन, ले भाई तू बायोटिन भी खा ले। तीसरा लिखते हैं मिनोक्सिडिल। ये एक लाइन ऑफ जो कहते हैं स्टैंडर्ड लाइन ऑफ थेरेपी, वो है फिनिस्ट्राइड देना, बायोटिन मल्टीविटामिन देना और आपको देना मिनोक्सिडिल। मिनोक्सिडिल क्या करता है, खून का फ्लो बढ़ाता है। इट्स अ वेसोडायलेटर, आर्टेरियल वेसोडायलेटर। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है मिनटॉप के बारे में, और वैसे भी जब तक आप यूज़ करेंगे तब तक उसका असर रहेगा, जहाँ यूज़ करना आपने बंद किया उसका असर खत्म हो जाएगा। तो जैसे आपको रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट खत्म हो जाएगा। फिनिस्ट्राइड का सिस्टमिक साइड इफेक्ट होता है, बहुत कम लोगों में पाया जाता है, मगर लोगों में पाया जाता है, लॉस ऑफ लिबिडो, सेक्स करने की इच्छा कम हो जाना, और ऐसे इंपोर्टेंसी तो नहीं होती है, मगर हाँ लॉस ऑफ लिबिडो और कुछ कुछ चीज़ें उसकी साइड इफेक्ट होती हैं, कुछ कुछ लोगों में पाई जाती है, ज़रूरी सबको पाई जाए कि आपको हेयर फॉल हो रहा है, हेयर लॉस हो रहा है, आपने खाई और आपको भी लॉस ऑफ लिबिडो या सेक्स करने की इच्छा कम हो जाना ये सब होने लगे, ऐसा नहीं होता, ये साइकोलॉजिकल ज़्यादा होता है। मगर लोग इसको जैसे वो पढ़ते हैं ना, आज की डेट में हर कोई पढ़ा लिखा आदमी हो गया है, जिसको नहीं भी पता वो भी गूगल खोलेगा, अच्छा ओके डॉक्टर ने ये लिखा है, पहले गया खटखट करा, अच्छा फिनिस्ट्राइड और तेरी इसमें ये साइड इफेक्ट है, मैं नहीं खाऊंगा, गंजा हो जाऊंगा मगर सेक्स से कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो भाई ऐसे लोगों के लिए मैं आज लेके आया हूँ ट्राइको नरिश। इट्स अ हेयर सीरम फिनिस्ट्राइड जेल के साथ। इसमें फर्क क्या है, देखो अगर आपको खानदानी गंजापन हो रहा है, आपको खानदानी गंजापन अगर है और आपको बाल बचाने हैं, तो आपको DHT को ब्लॉक करना ही पड़ेगा, बिकॉज कॉजिंग फैक्टर है DHT। जब तक वो आपकी बॉडी में उसका लेवल अप रहेगा, आपके बाल कोई नहीं बचा पाएगा। तो फर्स्ट है आपको DHT को ब्लॉक करना, DHT ब्लॉक की जाती है फिनिस्ट्राइड के थ्रू, बट वो हम जब गोली खाते हैं तो उसका इफेक्ट पूरी बॉडी में सिस्टमेटिक होता है, समझ रहे हो बात को, आपने गोली खाई वो पूरी बॉडी के अंदर गया और वो आपकी पूरी बॉडी में वर्क करेगा। बालों को DHT का लेवल तो कम करेगा ही करेगा, मगर वो आपको सेकेंडरी साइड इफेक्ट भी देगा। मगर अभी ये जब आप ट्राइको नरिश को लगाएंगे, ट्राइको नरिश F विथ फिनिस्ट्राइड जेल, तो ये क्या करेगा, ये आपके लोकली वर्क करेगा। हमको स्कैल्प में लगाना है, आपने स्कैल्प में लगाया, जब आप स्कैल्प में लगाओगे तो क्या करेगा, ये लोकली वहाँ पे जो DHT कन्वर्ट हो रहा है वो कन्वर्जन को रोक देगा, हेयर फॉलिकल में DHT का इफेक्ट नहीं होगा और आपके बाल झड़ना रुक जाएंगे, आपका हेयर लॉस होना रुक जाएगा। दूसरी बात, इसके अंदर कैफीन है, कैफीन अगेन वेसोडायलेटर है। अभी हम लोग मिनटॉप लगा रहे थे, वेसोडायलेशन मतलब खून का फ्लो बढ़ाना, खून का फ्लो जब हम बढ़ाते हैं तो हम जो भी गोलियाँ खाते हैं, टैबलेट खाते हैं, वो वाइटामिन्स और ऑक्सीजन की सप्लाई बालों की लेयर में बढ़ जाती है, बालों के रूप में बढ़ जाती है। तो इसके अंदर कंपनी ने डाला है, फ्लुएंस कंपनी ने इसके अंदर डाला है कैफीन। कैफीन भी वैसोडायलेशन काम करती है, जब आप लोकली इसको लगाएंगे तो वहाँ पे खून का फ्लो बढ़ जाएगा, आपकी बालों की जोड़ों में खून का फ्लो बढ़ जाएगा। हमारा मेन एम क्या है, बालों की जोड़ों में खून का फ्लो बढ़ाना, हमें DHT को कंट्रोल करना और मल्टी वाइटामिन देना, ये फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी है। इसके बाद दूसरी ट्रीटमेंट आते हैं, PRP आता है, लेज़र आती है, मीजोथेरेपी आती है, हेयर ट्रांसप्लांट आता है, बहुत सारे डिफरेंट ट्रीटमेंट आते हैं, बट वो सेकेंडरी होते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट DHT को ब्लॉक करना। तो कंपनी ने
इंडिया में फर्स्ट टाइम फिनिस्ट्राइड के साथ ही जेल आया है ट्राइको नरिश। तो जितने लोग भी अभी तक डर रहे थे फिनिस्ट्राइड के साइड इफेक्ट के कारण, लोग अपने बालों को कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, सोच रहे थे कि मैं गंजा हो जाऊंगा बट फिनिस्ट्राइड नहीं खाऊंगा, वो गाइज ये जेल को लगा लो बिकॉज इसका सिस्टमिक साइड इफेक्ट नहीं होगा, ये लोकली वर्क कर रहा है। इसके अंदर कीटोकोनाजोल भी है। कीटोकोनाजोल क्या करता है, वो एंटी डैंड्रफ वर्क करता है। अगर आपको बालों में डैंड्रफ के कारण आपके हेयर फॉल हो रहे हैं तो आपको डैंड्रफ को भी कंट्रोल करेगा। गाइज खून का फ्लो भी बढ़ा रहा है, एंटी फंगल भी वर्क कर रहा है। कीटोकोनाजोल आपके वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन उसको भी खत्म करेगा। साथ ही साथ में विटामिन डी भी है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि विटामिन डी भी हमारे हेयर लॉस कराता है। विटामिन डी हमारी बॉडी में जब कम रहता है तो भी हेयर लॉस होता है, ये बहुत कम लोगों को पता है। और कंपनी ने विटामिन डी भी दिया है। तो आप जब इसमें और क्या कहती है, विटामिन डी3 हो गया, ओके, इसमें एरिथ्रोनिक एसिड भी है, कैफीन है, फिनिस्ट्राइड मेन इसमें जो कंपाउंड है वो आपका ऑल इन वन। ये पैटर्न बैलेंस है, मेल हो चाहे फीमेल हो, फीमेल्स को भी जो फीमेल पैटर्न बैलेंस होता है आपने देखा होगा बहुत सारे फीमेल्स को यहाँ से पूरा साफ चांद साफ हो जाता है, बट उनको फिनिस्ट्राइड जेल हम नहीं दे सकते बिकॉज वो बच्चों में प्रेगनेंसी में और बहुत सी चीज़ों में दिक्कत करता है, तो हम सिस्टमिक नहीं देते हैं। बट ये आप लगा सकते हो बिकॉज ये लोकली वर्क कर रहा है, इसका इफेक्ट सिस्टमिकली नहीं होगा, ये लोकली हेयर रूट में वर्क करेगा, तो इसके सिस्टमिक साइड इफेक्ट आपको नहीं मिलेंगे देखने को। तो अगर आपके बाल झड़ रहे हो, आपको हेयर लॉस हो रहा है, खानदानी गंजापन हो रहा है, तो अब आपको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, आप फिनिस्ट्राइड आराम से जेल लगा सकते हैं और उसका सेम इफेक्ट पा सकते हैं। ये फ्लुएंस कंपनी का है, ट्राइको नरिश है। इसकी MRP है इस जेल की 1202 रुपये, और 1202 रुपये है, कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं है बिकॉज फिनिस्ट्राइड की गोली भी आप आएगी तो 4-5 रुपये की आती है। और ये थोड़ा गर्मी के कारण थोड़ा सा ये फैल गया है, ओके, और ओके, ये पिंक कलर का जेल है, इसको रात में लगाइएगा, इसको रात में लगा के बाल की जड़ों में मसाज करना है और ये इसको लगा के छोड़ दीजिए, सुबह चाहे तो वॉश कर सकते हो, आप अपने वर्क पे जा सकते हैं। देखो मैं समझ सकता हूँ कि बहुत से लोग जो डरते हैं, साइकोलॉजिकल ज़्यादा होता है चीज़ें, तो एक बार जो दिमाग में बैठ जाता है, मेरे पास तो 90% पेशेंट जो आते हैं वो यही बोलते हैं नो नो सर मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, और कुछ दे दो, लाखों रुपये खर्चा कर देंगे मगर ये फिनिस्ट्राइड नहीं खाएंगे, तो भाई उनके लिए मैं अल्टरनेटिव लेके आया हूँ, आप मत खाओ, कोई नहीं बोल रहा खाओ, बिल्कुल मत खाओ, मैं भी नहीं खाऊंगा, मैं भी ये लगाऊंगा। गाइस आपको पता है मैंने भी हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है, दिस इज अ हेयर ट्रांसप्लांट, वी डू अ HD हेयर ट्रांसप्लांट, सर हाई डेंसिटी हेयर ट्रांसप्लांट जो एकदम नेचुरल हेयर की तरह दिखते हैं। तो अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट भी कराना तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट करिएगा, इंस्टाग्राम पे मेरी ID डॉक्टर अवनीत गुप्ता, और आपको अगर ये चाहिए तो ये आपको मिलेगा www.lescomic.com, वहाँ पे जाइए, इसको परचेस करिए और अपने बालों की जड़ में लगाइए और अपने बालों को हेल्दी बना के ग्रोथ वापस ग्रो कर लीजिए। देखो खानदानी गंजापन अगर आपको हो रहा है, लाइक जेनेटिक है, पैटर्न बालनेस है, आपको ये सेंटर बालनेस आ रही है, तो आपको DHT को ब्लॉक करना ही पड़ेगा। अगर आप DHT ब्लॉक नहीं करोगे, इसके अलावा कितने भी PRP करा लो, कितना ही कोई ट्रीटमेंट कर लो, कितनी भी बायोटिन खा लो, किलो किलो भर के बायोटिन खा लो भाई, कुछ नहीं होगा। तो फर्स्ट स्टेप है आपका DHT को ब्लॉक करना, गोली नहीं खाना है तो जेल लगा लो, सेम इफेक्ट आएगा। और फर्स्ट कंपनी ये लेके आई है, मार्केट में और कोई कंपनी नहीं बनाती है, तो इट्स गुड। वेट क्या कर रहे हो, अपने बालों को बचाना है तो कृपया कर इसको जाके जरूर खरीदो और अपने बालों की जड़ों में लगाओ, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लगा मेरा वीडियो, उसको शेयर कीजिए, जितने भी गंजे लोग आपके हो रहे हो, आपके फ्रेंड्स रिश्तेदार कोई भी दिख रहा है कि उसको हेयर लॉस हो रहा है तो प्लीज़ ये जाके जेल दे दो ताकि उनके बाल बच जाए, और आपको दुआएं देंगे। बाय, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, मेरी ID है DR अभिनीत गुप्ता।